अब सीधे आपको लेकर चलते हैं हम हिसार, जहां चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर संबोधित कर रहे हैं। सारे देश भर के लोगों का पेट की जो भूख की जो एक प्रकार से मिटाई थी, और आज हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। न केवल देश अन्न में आत्मनिर्भर है, बल्कि ये कहा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देश जहां अन्न कम होते हैं उनको निर्यात भी हम करते हैं। तो मित्रों, ये लगातार बढ़ता हुआ जो इस विश्वविद्यालय का स्वरूप, और इस स्वरूप के साथ साथ एक घटना और मुझे याद आती है कि 1991 में इस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया था। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा हम कह सकते हैं। एक वित्त मंत्री जब अपने देश के जो थे तो बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए। नाबार्ड की स्थापना ये चौधरी चरण सिंह जी ने की, और नाबार्ड के कारण से आज देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी जो आगे प्रगति हो रही है, नाबार्ड का उसमें अपना बहुत बड़ा स्थान है। तो ऐसे शख्सियत के नाम पर, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, ये भी हमारे लिए एक अच्छी सौभाग्य की बात है। भाई बहनों, आज के इस अवसर पर एक चीज जरूर मैं आपको यानी उल्लेख भी करना चाहूंगा, उसका आग्रह भी करना चाहूंगा। हमने हरित क्रांति, इसके माध्यम से देश को आत्मनिर्भर तो बनाया, लेकिन चुनौती भी साथ में आई है। चुनौतियां क्या आई हैं कि जो अन्न की गुणवत्ता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर जिसने असर किया, शरीर की बीमारियां भी ऐसी बढ़ी हैं। केवल मात्रा तो बढ़ती चली गई, गुणवत्ता का शायद ध्यान नहीं रख पाए, तो जो हमारी परंपरागत खेती का तरीका होता था उसको थोड़ा डेविएट होने के बाद बीमारियां भी साथ में आ गई। कुछ कठिनाइयां हमें पानी की भी आई है, एक चैलेंज पानी का भी हमारे यहां है। क्यों? अधिक उत्पादन के लिए पानी की भी उतनी आवश्यकता है, लेकिन पानी हमारे पास मात्रा कम है। इसी प्रकार से जो पानी का दोहन हमने किया है जमीन में से, उसके कारण से डार्क एरिया जोन भी हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब कि चुनौतियां, चाहे वो पानी की चुनौती हो, चाहे वो मौसम की चुनौती, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जिस प्रकार से विषय आ गया कि आज पता नहीं लगता है कि किस समय कौन सा मौसम बदल जाए और कब मौसम के कारण से किसान पर मार पड़ जाए। अभी इसी वर्ष की बात लेते हैं, पकी फसल की किसान, उसके ऊपर वर्षा मार्च में भी आई, अप्रैल में भी आई। 2015 में मुझे ध्यान में है कि इसी प्रकार फरवरी और मार्च में बहुत बड़ा नुकसान किसान का हुआ था। अब इसमें किसी का दोष नहीं कह सकते, प्राकृतिक चीजें हैं, फिर भी इन चीजों के ऊपर हमको अध्ययन करना होगा, हमको रिसर्च करनी होगी कि हम इन चुनौतियों से कैसे पार पाए। अपनी यानी जो भूमि है, अपनी जमीन है, उसकी गुणवत्ता, उसको भी बरकरार रखना, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितना हम जमीन की गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे उतनी हमारी फसल भी अच्छी होगी। तो इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और मात्रा और गुणवत्ता दोनों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, साथ ही उत्पादन जो बढ़ गया है तो इसकी विपणन की भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं, इसके भंडारण की भी चुनौतियां हैं। तो ऐसी इन चुनौतियों पर भी मैं जरूर अपेक्षा करूंगा कि आप लोग इसमें अपना काम करें, क्योंकि हम लोग शिक्षा लेकर के, उपाधि लेकर के हम जाएंगे, जब फील्ड में जाएंगे तो एक विषय भारतवर्ष की जो एक विशेषता है, वो विशेषता यह है कि हमारी खेती करने वाला जो किसान है उसकी अपने तरह के अनुभव हैं। अपने तरह के अनुभवों से वो पहले ही इन सब बातों का ध्यान में रखता रहा है कि अगर मौसम खराब होता है तो किस प्रकार की फसल को हमको यानी कैसे उसका बचाव करना चाहिए, अगर पानी कम ज्यादा है उसमें किस प्रकार का करना चाहिए, और मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, कौन सी फसल बुआई करनी चाहिए। हम कृषि अनुसंधान तो अब लेटरली बहुत 40-50 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसान परंपरागत खेती जिनका अपना अनुभव है, वो अनुभव बिना शिक्षा के उसने प्राप्त किया है। लगातार खेती, जब से मैं समझता हूं मनुष्य की प्रगति खेती के साथ साथ हुई है। अगर ये खेती ना होती इस प्रकार की, तो मनुष्य जीवन वास्तव में तो इस प्रकार से जैसे हम प्रगति कर रहे हैं शायद ही कर पाता। तो हम उस अनुभवी किसान की बात को भी ध्यान रखें, देश के मौसम की बात ध्यान रखें, शरीर की आवश्यकता को भी ध्यान रखें। इसका अगर हम रिसर्च करेंगे तो निश्चित रूप से हम जहां
आगे बढ़कर के आत्मनिर्भर हुए हैं, वैसे ही गुणवत्ता के रूप में अपने उस प्रकार के काम को भी आगे बढ़ा पाएंगे। और जोत छोटी होती जा रही है, छोटी जोत के कारण से परिवार बढ़ रहे हैं, तो हमको एक ऐसा कृषि का मॉडल जिसको एकीकृत कृषि मॉडल ये कह सकते हैं, इसमें भी कुछ नए अनुसंधान नए प्रयोग करने पड़ेंगे। बहुत शुरू हुए हैं, खेती के साथ साथ डेयरी फार्मिंग शुरू हुआ है, मशरूम फार्मिंग शुरू हुई है, कहीं मधुमक्खी फार्मिंग शुरू हुई है, कहीं पर बागवानी का भी अच्छा प्रयोग शुरू हो गए हैं। तो ऐसे नए प्रयोग उनको भी हमको साथ में लाना चाहिए और उससे खेती की किसान की जो आय डबल करने का हमारा जो संकल्प है उसको हम कैसा पूरा करें इसको जरूर ध्यान करें। अच्छी बात यह है कि हिसार में ही लुवास यूनिवर्सिटी ये भी इस पर काम कर रही है, पशुपालन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। अभी हम पीछे आज राष्ट्रपति महोदया के साथ जो प्रातःकाल का कार्यक्रम था NDRI में करनाल में वो कार्यक्रम था, तो दुग्ध उत्पादन में बहुत बड़ा काम NDRI के माध्यम से सारे देश भर में हो रहा है। तो वो एक अपना अलग से ये फील्ड है, यहाँ महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी हमने करनाल में अलग से बनाई है, तो और सब संस्थान इवन इसराइल के जो एक्सलेंस सेंटर्स हैं वो भी हमने बनाए हैं, ताकि किसान को कृषि के माध्यम से कैसे उसको आमदन उसकी अच्छी की जाए, मात्रा बढ़ाई जाए। बहुत से ऐसे फील्ड हैं, क्षेत्र हैं, मैं तो चाहूँगा कि इस पर भी ज़्यादा ज़्यादा अनुसंधान करके हम आगे बढ़ें। माननीय राष्ट्रपति महोदया को मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि हरियाणा में मुझे खुशी है इस बात की कि इतना जो कार्यकाल इनका अभी तक हुआ है, तीसरी बार हरियाणा में आज आप आ रही हैं, आपका जो हमको इतना आशीर्वाद मिल रहा है, लगातार इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका हमें मिलता रहे। हम अपने प्रदेश की प्रगति करेंगे ही, हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देश के अंदर जो हमारा योगदान है हम पहले से भी प्राप्त कर रहे हैं, लगातार इसमें बढ़ेंगे। अभी एक नारा बोला जा रहा था, हमारे कुल सचिव जी ने जो नारा बोला, कुलपति जी ने, कि जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान जय अनुसंधान, मैंने कहा यहाँ जय पहलवान ये भी जोड़ा करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मेरा आग्रह है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्य के राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से उनकी वे अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा, जयप्रकाश दलाल जी कृषि मंत्री, अभी उपस्थित मंत्रीगण, अधिकारीगण, सारे विद्यार्थी और मीडिया के बंधु, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय हमारे लिए